Okay, so very good morning to all of you. Bete, yesterday, day before yesterday, we started with the new topic, forms of market. So this we have already done a little bit while doing the chapter of concepts of revenue. So basically, bache, there are two forms of market, perfect competition, imperfect competition. Imperfect further categorize hum karte hain monopoly, monopolistic competition. Oligopoly, ठीक है? But in our syllabus, we have only perfect competition. So what is perfect competition? बेटे, उस दिन मैंने आपको ये भी बताया था, market का मतलब economics में geographical location नहीं होता. आप अगर हम ordinary language में market की बात करें, या मैं आपसे meaning पूछूं, बेटे, how would you define market? या give me one example of market. तो आप बोलोगे, मम्मी, market वही जगह है जहाँ पे buyers और sellers आपस में meet करते हैं. गुड्स को बेचते और खरीदते हैं. तो फॉर यू इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर मार्केट इज ज्योग्राफिकल लोकेशन, ठीक है? सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इकोनॉमिक्स में मार्केट एक सिस्टम है, एक अरेंजमेंट है, एक मैकेनिज्म है बाय विच बायर्स एंड सेलर्स आर ब्रॉट टुगेदर, ठीक है, ताकि वो अपनी बाइंग और सेलिंग कर सकें. तो इकोनॉमिक्स में मार्केट कहलवाने के लिए सिर्फ तीन चीजों का होना जरूरी है, एक बायर, दूसरा सेलर और तीसरा कमोडिटी. जहां पर ये तीनों प्रेजेंट हैं वो मार्केट कहलाती है. इसको इसके लिए हमें कोई एक ज्योग्राफिकल लोकेशन ढूंढने की, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस ढूंढने की जरूरत नहीं होती. तो इसीलिए जब हम आपसे एग्जाम्पल मांगते हैं इकोनॉमिक्स की, मार्केट की, तो आप ये नहीं कहेंगे मॉडल टाउन मार्केट या पीपीआर मार्केट या रैनक बाजार मार्केट की एग्जाम्पल. नो, इन इकोनॉमिक्स द एग्जाम्पल ऑफ मार्केट इज से व्हीट मार्केट, फुटवियर मार्केट. सो व्हीट मार्केट इज द मार्केट वेयर देर आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीट, सेलर्स ऑफ व्हीट एंड देर आर द बायर्स ऑफ व्हीट एंड व्हीट कमोडिटीज व्हीट. सो फुटवियर मार्केट where all those who want to sell footwear, all those who want to buy footwear and footwear, ठीक है? ये तीन components होते हैं. तो मतलब economics में market हमेशा एक product market को refer किया जाता है. So perfect competition कौन सी market situation है? बेटे, ये वो market situation है where there are large number of sellers selling homogeneous products at same price. New firms can freely enter the industry. Existing firms can easily leave the industry. ठीक है? All the firms are selling their product, which is homogeneous, at same price. ठीक है? So from that, let us see the features of the perfect competition. First feature is large number of buyers and sellers. ये मैंने आपको उस दिन लिखवा भी दिया था. मैं इसको समझा देती हूँ. मतलब क्या है इसका और इसकी implication क्या है? By implication we means इसका effect क्या है? ठीक है? So बेटे, in this form of market there are very large number of sellers and very large number of buyers. So large number of sellers का मतलब क्या है? कि number of sellers is so large that a single seller cannot influence the market supply. Supposing ये sellers हैं, ये millions of farmers हैं India में wheat के, ठीक है? इनमें से एक farmer कहता है, अच्छा wheat का price government ने 100 रुपया fix किया है, मैंने 100 रुपए पे ये wheat नहीं बेचनी, मैं market से बाहर हूँ, ठीक है? So if he refuses to sell at this price, ये बाहर निकल गया, तो मुझे बताओ ये मार्केट की सप्लाई के ऊपर कोई इफेक्ट कर पाएगा? क्या मार्केट की सप्लाई कम हो पाएगी? नहीं हो पाएगी. क्यों? क्योंकि बेटे नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इतने लार्ज हैं कि एक सिंगल सेलर का शेयर जो है ना मार्केट की सप्लाई में, वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है. इट्स जस्ट लाइक एक ओशन है, ठीक है? ये ओशन है, ये सप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, ये सारे सेलर्स की सप्लाई है. अब इसमें से अगर आप एक मग पानी का निकाल लोगे तो क्या इसके लेवल में कोई असर पड़ेगा? क्या इसका लेवल कम होगा? यू टेल मी, क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा बेटे?
यस और नो, नहीं पड़ेगा, है ना। इसी तरह नंबर ऑफ सेलर्स इतना लार्ज है कि एक सिंगल सेलर अगर रिफ्यूज कर देता है एक प्राइस पे अपनी मार्केट अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करने में, तो मार्केट सप्लाई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब मार्केट सप्लाई के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो मार्केट प्राइस के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी द एक्शन ऑफ सिंगल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट सप्लाई, हेंस इट कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। सिमिलरली बेटे, नंबर ऑफ बायर्स इज सो वेरी लार्ज दैट द एक्शन ऑफ सिंगल बायर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट डिमांड एंड हेंस इट कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। सी, अंडरस्टैंड करो इसको। इंडिया में वीट खरीदने के प्रोड्यूसर्स करोड़ों हैं। अगर इनमें से एक पर्सन मैं कह देती हूं अरे वीट तो इतनी महंगी हो गई मैं इस प्राइस पे वीट नहीं लूंगी, तो क्या मेरे मार्केट के में से निकल जाने से क्या मार्केट डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा? वुड इट इन एनी वे इफेक्ट मार्केट डिमांड? नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी जो डिमांड है मार्केट डिमांड में वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। करोड़ों लोग वीट डिमांड कर रहे हैं, उनमें से एक पर्सन कहता है मेरे को वीट नहीं चाहिए इस प्राइस पे, तो क्या उसकी इस डिसीजन से मार्केट डिमांड अफेक्ट होगी? नहीं होगी, तो मार्केट प्राइस भी अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब, इसकी इम्प्लीकेशन क्या है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस ना तो सेलर इन्फ्लुएंस कर सकता है और ना ही बायर इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो प्राइस कैसे डिटरमिन होता है? मार्केट फोर्सेस से डिटरमिन होता है, और उसी प्राइस के ऊपर सारी फर्म्स को अपना प्राइस बेचना पड़ता है और सारे बायर्स को अपना प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, और उसी प्राइस के ऊपर बायर को भी खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो ये है डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। अब इनमें से एक बायर बोले कि मैंने गुड्स नहीं लेने, तो वो मार्केट डिमांड को अफेक्ट नहीं कर सकता। इसी तरह ये है मार्केट का सप्लाई कर्व। अब अगर एक सिंगल सेलर बोले कि मैंने इस प्राइस पे गुड्स नहीं बेचने, तो भी मार्केट सप्लाई अफेक्ट नहीं होगी, ना तो लेफ्ट को शिफ्ट होगी ना राइट को शिफ्ट होगी, क्योंकि उसका जो शेयर है वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। तो मार्केट फोर्सेस ने प्राइस फिक्स किया ओपी, इसी प्राइस पे अब ये जो फर्म है, जितनी भी फर्म्स हैं, वो इसी प्राइस पे एनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, चाहे तो ओएम बेचें चाहे OM1 बेचें, दे कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। सो बेटे, विच इम्प्लाइज दैट फर्म इज अ प्राइस टेकर एंड नॉट ए प्राइस मेकर, ठीक है। तो उस दिन मैंने आपको ये फीचर तो लिखवा दिया था, उसी फीचर के नीचे इम्प्लीकेशन लिख दीजिए। द फीचर, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, द फीचर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इंडिकेट्स इनइफेक्टिवनेस ऑफ ए सिंगल सेलर, indicates ineffectiveness of a single seller or a single buyer in influencing the prevailing market price on its own, in influencing prevailing market price on its own, rendering him simply a price taker, rendering him simply a price taker, ठीक है बच्चे।
Coming to the next feature, which is homogeneous product. So let us understand the meaning of this feature. बेटे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जितने भी सेलर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो आइडेंटिकल है, यानी इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के बिल्कुल जैसा है, सेम है, आइडेंटिकल है इन रिस्पेक्ट ऑफ कलर, साइज, क्वालिटी, ठीक है, इन ऑल रिस्पेक्ट्स आइडेंटिकल है, होमोजीनियस है, ठीक है. ऑल दी फर्म्स आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट इन एवरी वे. कोई भी करेक्टरिस्टिक के बेसिस पर हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है. तो कोई भी सेलर का प्रोडक्ट बायर दूसरे के प्रोडक्ट से प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि सेम है. अभी आप कई बार ऐसे करते हो ना, अच्छा मेरे को ये वाला पेन पसंद है, मैंने ये वाला पेन लेना है, मैंने मॉन्टेक्स का पेन लेना है. दूसरा बच्चा कहता है मैंने रेनॉल्ड्स का लेना है. तीसरा कहता है मैंने लेजर का, मुझे पसंद है. यू आर प्रेफरिंग one seller's product over another seller's product because they are differentiated, they have different features, ठीक है. लेकिन यहाँ पर क्या है, आप कभी कहते हो कि मैंने इस farmer की wheat produce wheat consume करनी है या मैंने इस farmer की wheat consume करनी है? नहीं. तो जब तक wheat, अभी आजकल क्या है बेटे, हम फिर भी wheat को differentiate कर देते हैं on the basis of packing. अभी इसमें थोड़ा सा business आ गया है. तो पहले क्या होता था, पहले जमाने में वीट लेता था, चक्की वाला वीट खरीदता था फार्मर से और उसको आपको पीस के आटा बना के आपको दे देता था. तो आप कहीं से भी खरीद लेते थे आटा. यू वुड नॉट हैव एनी चॉइस रिगार्डिंग के आपको इस फार्मर की वीट लेनी है या उस फार्मर की वीट लेनी है, ठीक है. तो होमोजीनियस प्रोडक्ट है. ऑल दी सेलर्स आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट विच आर आइडेंटिकल. अब इस फीचर की इम्प्लीकेशन या इफेक्ट क्या है? इसका इम्प्लीकेशन ये है कि सारी जो फर्म्स हैं, दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट एट सेम प्राइस. आप अपना प्राइस बढ़ा ही नहीं सकते हो दूसरे सेलर से. क्यों? क्योंकि आप स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट बेच रहे हो. आपका प्रोडक्ट और उसका प्रोडक्ट बिल्कुल सिमिलर है, तो आप किस बेसिस पर डिफरेंट प्राइस चार्ज करोगे? डिफरेंट प्राइस आप जब चार्ज करते हो तो किसी बेसिस पर करते हो कि भाई देखो हमारा प्रोडक्ट इस कंटेक्स्ट में सुपीरियर है तो इसीलिए हमारा प्रोडक्ट महंगा है, ठीक है. लेकिन इन दिस केस यूनिफॉर्म प्राइस पॉलिसी इज बीइंग अडॉप्टेड बाय ऑल दी सेलर्स इन द मार्केट. यू कैनॉट यू नो, अगर आप अपना हाई प्राइस चार्ज करेगा अगर सेलर दूसरे से, तो ही विल बी इन लॉस. कोई भी उससे अपने प्रोडक्ट खरीदने नहीं आएगा. वो कहेगा दूसरे के पास सेम प्रोडक्ट है, सस्ता मिल रहा है, मैं उससे खरीदूंगा. और अगर वो कम प्राइस चार्ज करता है तो वो अननेसेसरीली लॉस सफर करेगा, क्योंकि सेम प्राइस पर ही वो जितनी मर्जी आउटपुट बेच सकता है, तो उसको लो प्राइस भी चार्ज करने की जरूरत नहीं है. सो द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस फीचर इज दैट द फर्म्स अडॉप्ट यूनिफॉर्म प्राइस पॉलिसी, ठीक है. सो द थर्ड फीचर ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट that there is a free entry and exit of firms in the industry. So better for that you should know the difference between firm and industry. Firm kisko bolte hain? Firm is a single unit of production, theek hai. For example agar hum wheat market ki baat kar rahe hain, wheat industry ki baat kar rahe hain, to wahan par ek single producer jo hai, एक सिंगल फार्मर जो है उसको हम फर्म कहेंगे. या फुटवियर मार्केट की बात करते हैं या स्पोर्ट्स मार्केट की बात करते हैं, तो एक सिंगल सेलर जो है उसको हम फर्म कहते हैं. और अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, जैसे वीट इंडस्ट्री, वीट इंडस्ट्री कंप्राइजेस ऑफ ऑल द फार्मर्स प्रोड्यूसिंग वीट, ठीक है. अगर हम फुटवियर इंडस्ट्री की बात करें तो इट कंप्राइजेस ऑफ ऑल दी फूड प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसिंग फुटवियर. अगर हम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात करें तो इट कंप्राइजेस ऑफ ऑल दी फर्म्स प्रोड्यूसिंग स्पोर्ट्स गुड्स. सो फर्म एक सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है, इंडस्ट्री एक कलेक्टिव टर्म है जो नंबर ऑफ फर्म्स जो कि सिमिलर प्रोडक्ट बना रही है उसको दी जाती है, ठीक है. अब फीचर क्या है परफेक्ट कॉम्पिटिशन का?
free entry and exit of firms. परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नई फर्म्स इंडस्ट्री में एंटर कर सकती हैं, इनके ऊपर कोई भी लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इनको किसी से परमिशन नहीं लेनी कि क्या हम वीट, मेरे पास एक लैंड पड़ा हुआ है, मैंने सोचा चलो मैं इसके ऊपर वीट की प्रोडक्शन करना शुरू कर देती हूँ, ठीक है, तो मुझे किसी से कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, आई कैन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग वीट, that is I can enter the wheat industry, ठीक है. On the other hand, एक farmer है, वो कहता है कि मैं, मेरे बच्चे बाहर चले गए हैं, मैंने भी abroad चले जाना है, मैंने अब खेती बाड़ी नहीं करनी है, तो he can leave the industry, वो अपना land बेच दे या छोड़ दे अपना काम, वही पड़ा रहने दे land और चला जाए abroad, he can freely leave the इंडस्ट्री, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. नई फर्म आ सकती है, पुरानी फर्म इंडस्ट्री को छोड़ के जा सकती है, इनके ऊपर कोई बैरियर्स, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है. अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इट्स अ बिट टेक्निकल, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा. इसका इम्प्लीकेशन है कि जो फर्म्स हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, they will earn only normal profits in the long run. ठीक है, अब आपका क्योंकि एक चैप्टर मिस हुआ हुआ है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, सीबीएसई ने सिलेबस में से हटा दिया है, तो इसीलिए आपको ये टर्म समझना, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स और लॉसेस, ये आपको मैं समझा देती हूँ. बेटे एक होता है एवरेज रेवेन्यू, जिसको हम प्राइस भी कहते हैं, दूसरा होता है एवरेज कॉस्ट. सपोज करो हम पेन मार्केट की बात करें, एक पेन मार्केट में 10 रुपए का बिक रहा है, ठीक है, अगर उसकी एवरेज कॉस्ट भी 10 रुपए है, यानी उसको जब हमने प्रोड्यूस किया तो खर्चा भी 10 रुपए आया और हमने उसको बेचा भी 10 रुपए, इन दिस केस फर्म को क्या हो रहे हैं, क्या आप मेरे, आप में से कोई मेरे को बता सकते हैं, फर्म को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, या कोई प्रॉफिट, नो प्रॉफिट, नो लॉस हो रहा है, एनीवन? 10 रुपए का मैंने पेन बनाया, 10 रुपए का ही मैंने बेच दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे प्रॉफिट हो रहे हैं? Okay, yes. So some of the students have sent me answer, ma'am, no, you are having no profit, no loss. You are at the situation of no profit, no loss. Okay. So I would like to tell you how I have calculated average cost. Average cost kya hota hai? Total cost over output produced. तो मैंने जब टोटल कॉस्ट एस्टिमेट किया, मैंने क्या किया, मैंने अपनी रॉ मटेरियल की कॉस्ट ली, मैंने वेजेस जो दी वर्कर को वो दी, मैंने जो बिजली का खर्चा किया वो दिया, इसके अलावा मैंने कहा भी मैंने बहुत मेहनत की है ये वेंचर में, तो मैं अपने कुछ प्रॉफिट्स भी इसमें ऐड कर लेती हूँ. नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कि एक प्रोड्यूसर को इंसेंटिव देता है कि वो बिजनेस में रहे, बिजनेस छोड़कर ना जाए. तो वो जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट का ही हिस्सा होता है, उसको हम कॉस्ट का एक कंपोनेंट मानते हैं, ठीक है. तो वो नॉर्मल प्रॉफिट मैंने इसमें ऐड कर लिया, ठीक है. तो जितने भी मैंने यूनिट्स बेचे मैंने उसको आउटपुट से डिवाइड कर दिया और अब मेरी एवरेज कॉस्ट आई 10 रुपीज, ठीक है. अब मुझे आप बताओ, मेरा एवरेज कॉस्ट है 10 रुपए और मैंने पेन बेच भी दिया 10 रुपए का, अब मैं क्या अर्न कर रही हूं, am I into losses और my situation is no profit no loss, or I am earning normal profits by selling my pen at 10 rupees, anyone? अब आप अपना आंसर चेंज करना चाहेंगे, जिन बच्चों ने मुझे पहले आंसर दिया, ईशा, मेघा, वुड यू लाइक टू से द सेम स्टेटमेंट कि मैम नो प्रॉफिट नो लॉस पे हो, या आप अपना चेंज करना चाहोगे डिसीजन? यस ईशान मेघा,
मैंने 10 रुपए का पेन बनाया, 10 रुपए का बेचा। अच्छा, ईशा कह रही है लॉस पे आ गई मैं। बेटे लॉस कहां से है? वेयर इज द लॉस हियर? मैंने 10 रुपए की जो एवरेज कॉस्ट निकाली उसमें मैंने अपना प्रॉफिट ऐड किया हुआ है। यानी अगर मुझे 10 रुपए भी इस पेन के मिलते हैं तो उसमें मुझे अपना नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है। 10 रुपए में मेरा नॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो कोई भी फर्म जब आपको ये बताती है कि हमारा एविया, कोई भी शॉपकीपर आपको बताता है जब आप जाते हो, वो कहता है मैंने आपसे कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, 10 रुपए का आया था, मैंने 10 रुपए दे दिया आपको, तो वो झूठ बोल रहा है कि मैंने मुनाफा नहीं कमाया। वो 10 रुपए में उसका प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, सो व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट द फर्म इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो फर्म को क्या मिल रहे हैं? नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब अगर ये पेन 12 रुपए का आप बेचो और आपका एवरेज कॉस्ट आ रहा है 10 रुपए, यानी प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, तो अब आप क्या अर्न कर रहे हैं? अब आप ये नहीं कहोगे आप प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हो, प्रॉफिट तो आप इस सिचुएशन पे भी अर्न कर रहे थे, इन प्रॉफिट को आपने नाम दिया था नॉर्मल प्रॉफिट्स, तो अभी आप नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हो ना। एक प्रॉफिट जो इसमें ऑलरेडी सपोज 2 रुपए का प्रॉफिट इसमें हो रहा है, नॉर्मल है, अब 2+2 4 रुपए का प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट को या इस सिचुएशन को आप क्या कहोगे? फर्म इज अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, और यू कैन ऑल्सो से फर्म इज अर्निंग एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स। यहां पे फर्म को क्या मिल रहा है? एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स। आप बोलो एक्स्ट्रा नॉर्मल कहां है? 2 रुपए ही तो प्रॉफिट है, एवरेज कॉस्ट से एवरेज रेवेन्यू 2 रुपए ज्यादा है तो वो प्रॉफिट है, सिंपल प्रॉफिट, एक्स्ट्रा नॉर्मल कैसे हुआ? क्योंकि बेटे 10 रुपए में भी प्रॉफिट का कुछ कंपोनेंट इंक्लूडेड था, अब 10 रुपए से ज्यादा मिल रहा है, वो जो 10 रुपए में इंक्लूडेड था 2 रुपए का प्रॉफिट उसको हमने नॉर्मल प्रॉफिट दिया था, अब 2+2 सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर ये पेन सपोज करो 7 रुपए का बिकना शुरू हो जाए और इसकी एवरेज कॉस्ट 10 रुपए है, एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, 10 रुपए का मैंने पेन बनाया, 7 रुपए का मैं बेच रही हूं, व्हाट इज माय सिचुएशन हियर? एम आई अर्निंग प्रॉफिट? एम आई एट ब्रेक इवन, दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस, और एम आई अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, और आई एम इनकरिंग लॉस? ओके, यस, हियर आई एम सफरिंग लॉस। ठीक है, तो यहां पर मुझे लॉस की सिचुएशन आ रही है, तो इनमें से फर्म कोई भी एक सिचुएशन फेस कर सकती है। ठीक है, अब लेट अस से फर्म इज अर्निंग एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स, इसको हम एबनॉर्मल प्रॉफिट भी कह देते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स भी कह देते हैं। तो अगर एक स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में सारी फर्म्स को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल रहे हैं तो क्या होगा? तो अट्रैक्टेड बाय दोस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स न्यू फर्म्स विल एंटर द इंडस्ट्री। सी, कल को आपने ग्रेजुएशन कर ली, आपका सपना है आपको बिजनेस करना है, तो आपने सर्च मारी, आपने मार्केट सर्वे किया, आपने देखा जलंधर में एक तो स्पोर्ट्स गुड का बहुत अच्छा स्कोप है और वॉल्व्स का बहुत अच्छा स्कोप है। ठीक है, आपने 2-3 इंडस्ट्रीज का देखा और आपको पता चला कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में इस टाइम पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। So would you like to set up business in sports industry or not? Yes? So you will enter the sports industry. क्योंकि sports industry perfect में अगर perfect competition है तो उसमें नई firms freely enter कर सकती हैं, पुरानी firms छोड़कर जा सकती हैं। नई firms कब आएंगी? When all the firms are earning super normal profits. तो जब नई फर्म्स मार्केट में एंटर हो जाएंगी बेटे तो मार्केट की सप्लाई भी तो बढ़ जाएगी ना। पहले 100 फर्म थी, अब 120 हो गई, तो मार्केट की सप्लाई बढ़ जाएगी।
जब किसी भी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो प्राइसेस के ऊपर क्या असर पड़ता है? कैन यू टेल मी? सप्लाई इंक्रीज हो गई तो प्राइस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? उस कमोडिटी के प्राइसेस कम होने लग जाते हैं। तो प्राइस जब कम होगा, एआर कम होके 10 के बराबर हो जाएगा और एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा, फर्म्स विल स्टार्ट अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट्स। अब फर्म्स को फिर से क्या मिलने शुरू हो जाएंगे? नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, लॉस वाला केस हम कल करेंगे, अभी आज के लिए इतना ही। यहां तक किसी को डाउट है तो यू कैन ऑलवेज आस्क। एनीवन हैविंग एनी डाउट?